वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ठीक है जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमने अब तक एक से लेकर तीन तक ठीक है वन टू थर्ड एक से लेकर तीन तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए है आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की ठीक है जो कि आपका क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ठीक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और हम यहाँ बात कर रहे हैं बी एस सी सेमेस्टर की तो क्या है आपका केमिस्ट्री है तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर जो आपसे पूछ रहा है कि लैक्टोज के गुण क्या लैक्टोज के गुण और संरचना स्पष्ट कीजिए लैक्टोज के गुण और उसकी संरचना जो है आपको स्पष्ट करनी है ठीक है डिस्कस द प्रॉपर्टीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैक्टोज तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले लैक्टोज के गुण क्या है उसके बाद में हम जानेंगे कि इसकी संरचना या स्ट्रक्चर इसका क्या है ठीक है लैक्टोज के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ लैक्टोज तो यह क्या है यह कलर लेस है कैसा आपका कलर लेस है और आपका क्रिस्टल क्रिस्टलीन सॉलिड है कलर लेस क्रिस्टलीन सॉलिड है दो फॉर्म में पाया जाता है ठीक है इसकी आपको दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं. जिसमें एक अवस्था क्या है आपकी अल्फा फॉर्म ठीक है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 202 डिग्री सेंटीग्रेड पहली अवस्था क्या है इसकी एल्फा फॉर्म ठीक है एल्फा लैक्टोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 202 डिग्री सेंटीग्रेड व स्पेसिफिक रोटेशन इसका कितना हो जाता है स्पेसिफिक इस रोटेशन इसका हो जाएगा आपका प्लस नाइन्टी एट कितना हो जाएगा प्लस एट्टी दूसरी फॉर्म होती है इसकी बीटा फॉर्म ठीक है यानी कि बीटा लैक्टोज हम कह सकते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आपका दो डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है कितना 252 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है इस स्पेसिफिक रोटेशन इसका कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 0.35 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा 0.35 डिग्री ठीक है दोनों के मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट रहता है वो कितना होता है आपका वो होता है आपका 55.44 ठीक है दोनों के मिक्सचर का ठीक है किसका अल्फा और बीटा अल्फा और बीटा जो फॉर्म है आपके लैक्टोज की उनके दोनों का जो मिक्सचर है ठीक है अब देखो एक फॉर्म क्या है आपकी अल्फा ठीक जिसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या है स्पेसिफिक रोटेशन क्या है आपका नाइन्टी एट एट्टी नाइन पॉइंट सिक्स डिग्री और दूसरी फॉर्म आपकी बीटा है जिसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है थर्टी फाइव डिग्री ठीक है अब देखो अगर हम बात करें अल्फा अल्फा लैक्टोज की ठीक है जिसका स्पेसिफिक रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन कितना हो जाएगा डी ठीक है इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना एट्टी नाइन पॉइंट आपका कितना है सिक्स डिग्री ठीक और दूसरी फॉर्म आपकी क्या है इसी तरह से दूसरी फॉर्म भी आपकी है बीटा डी ठीक है ये क्या है आपका ये लैक्टोज की दूसरी फॉर्म है ठीक है तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है इसका है थर्टी फाइव ठीक है प्लस थर्टी फाइव पॉइंट आपका कितना है थर्टी फाइव डिग्री थर्टी फाइव डिग्री है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें कह रहा है दोनों का जो मिक्सचर है ठीक है मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन अब इन दोनों का अगर हम मिक्सचर की बात कर लें इन दोनों की ठीक है तो इन दोनों की मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा मतलब एक कोई ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों को लाई करता होगा ठीक है दोनों के बीच में तो इसका कितना है नाइन्टी ठीक और इसका कितना है थर्टी अब क्या होगा ये कुछ बढ़ेगा और ये कुछ आपका कम के आएगा ठीक है तो स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि इन दोनों का जो बीच का मीडियम पॉइंट होगा वो क्या होगा फिफ्टी फाइव पॉइंटी फोर ठीक है जो कि इन दोनों के लगभग ये बीच के वैल्यू होगी ठीक है ये वाला क्या होगा कम है तो ये वाला कुछ आपका बढ़ेगा और ये वाला कुछ आपका रोटेशन जो है कमेगा ठीक है और ये क्या हो जाएगा इसको मैजिक नंबर भी कह सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन 55.44 uh, डिग्री ये हो गया इनका स्पेसिफिक रोटेशन ठीक है दोनों फॉर्म का कौन सा अल्फा और बीटा फॉर्म का ठीक है अब हम बात करते हैं पहला नंबर इसका क्या है आपका जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस जब आप लेक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है कह रहे हैं एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज व गलेक्टोज देता है क्या भाई लेक्टोज आपका क्या देता है लेक्टोज आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है किसकी उपस्थिति में एंजाइम की उपस्थिति में कब हाइड्रोलाइज होगा ठीक है तो ये आपका क्या है अभी लेक्टोज है सी सिक्स सी ट्वेल्व सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी एच ट्वेंटी टू और ओ आपका क्या है इलेवन ये आपका क्या है लेकटोज है ठीक है लेकटोज इसका हाइड्रोल मतलब इसकी जल के साथ अपक्रिया या इसमें जल मिला दो तो जल मिलाने पर क्या होगा आपका ये क्या है एंजाइम है क्या है इमल्सन आपका क्या है एंजाइम है ठीक है एंजाइम की उपस्थिति में यह क्या देता है ये आपका एक गैलेक्टोज देता है दूसरा क्या देता है ग्लूकोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज स्ट्रक्चर मालिकुलर फार्मूला दोनों के सेम है ठीक है मालिकुलर फार्मूला आपके दोनों के सेम है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा ठीक है वो थोड़ा डिफरेंट होगा ठीक है उसमें थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा कह रहा है ऑक्सीडेशन ठीक है क्या कह रहा है ऑक्सीडेशन किसका लैक्टोज का ऑक्सीडेशन तो ये क्या है आपका लैक्टोज हो गया और ऑक्सीडेशन ठीक है किसकी उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ में ठीक है ब्रोमीन प्लस जल तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन का जुड़ना ठीक है क्या होगा ऑक्सीजन का जुड़ना और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ठीक है एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ क्या होता है भाई हाइड्रोजन ठीक है ये कंडीशन होती है आपकी ऑक्सीडेशन की तो यहाँ पर, तो पर क्या होगा इसका जो ऑक्सीजन है यहाँ से हटेगा और कहा चला जाएगा जा आपका लेक्ट्रोज के साथ में चला जाएगा ठीक है लेक्रोज के साथ चला जाएगा अब क्या हो जाएगा आपका लेक्ट्रोज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा ठीक है और बन क्या जाएगा आपका लेक्टोबायोनिक एसिड क्या बन जाएगा आपका लेक्टोबायोनिक एसिड बन जाएगा प्लस आपका एच जो है आपका बाहर निकल जाएगा अब यहाँ पर लेक्टोबायोनिक एसिड में क्या होगा कार्बन कितने होंगे आपके ट्वेल्व हाइड्रोजन कितने होंगे आपके ट्वेंटी टू और ऑक्सीजन कितने हो गए आपके ट्वेल्थ जो कि पहले कितने थे आपके इलेवन थे ठीक है तो ऑक्सीजन का इसमें एडिशन हो रहा है इसलिए हम कह देंगे कि ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया ठीक है किसका लैक्टोज का कह रहा है इस रिएक्शन से स्पष्ट है कि लैक्टोज में ग्लूकोज यूनिट यानी कि सी एच ओ ग्रुप ऑक्सीज होकर ग्लूकोनिक एसिड बनाता है क्या बनाता है भाई सी एच ओ ग्रुप जो है इसका सबसे ऊपर इसका जो सी एच ओ ग्रुप लगा रहता है ठीक है इसका ऑक्सीडेशन करने पर यह क्या हो जाता है यानी कि एसिड में कन्वर्ट हो जाता है सी डब्लू एच सी एच ओ ग्रुप ठीक है किसी जब उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कह रहा है जो ग्लूकोज यूनिट का सी एच ओ ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या लेता ग्लुकोनिक बना लेता है ग्लूकोनिक एसिड बना लेता है अभी इसको लेक्टोबायोनिक एसिड को हम ग्लूकोनिक एसिड भी कह सकते हैं ठीक है दूसरा कह रहा है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया फिनाइल हाइड्रोजिन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या होता है आपका फिनाइल हाइड्रोजिन ठीक है ये आपका हो गया हाइड्रोजीन ठीक है फिनाइल हाइड्रोजिन के साथ अब किसकी लैक्टोज की ठीक है फिनाइल हाइड्रोजिन के साथ ये अपक्रिया देता है तो क्या होता है कह रहा है यह फिनाइल हाइड्रोजिन से अपक्रिया करके ओसा जोन बनाता है क्या बनाता है अभी फिनाइल हाइड्रोजिन से अपक्रिया करके ओसा जोन बनाता है आपका कौन बनाता है लैक्टोज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो लैक्टोज क्या बनाएगा भाई ओसा जोन बनाएगा कब जब ये फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करेगा तब होगा क्या इसमें पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पे क्या होगा भाई आपका जो हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजीन है ये लग जाएगा ठीक है कौन से पर पहले और दूसरे कार्बन पे कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है कार्बन है आपके यहाँ पर मान लो अब क्या होगा पहले पेस्ट ठीक है एन एच और एन पी एच ठीक है फिनाइल इसी तरह से आपका यहाँ पर भी लग जाएगा एन एन एच और आपका पी एच ठीक है एन एन एच और आपका पी एच तो इस तरह से यहाँ पर केवल एन और एन एच ठीक है एन और एन एच और आपका पी एच तो इसी तरह से ये दो कार्बन कार्बन नंबर एक और दो पे जो है आपके फिनाइल हाइड्रोजन जाके लग जाते हैं वहां पे आपका जो ऑक्सीजन रहता है वो आपका यहाँ से निकल जाता है ठीक है तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं ये आपका बनता है ओसा जोन क्या बन जाता है ओसा जोन बन जाता है ठीक है तो ये फिनाइल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई ओसा जोन का फॉर्मेशन करता है कौन लैक्टोज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ठीक है थीक? तो ये हो गई आपकी फिनाइल हाइड्रोजन से अपक्रिया अब, अब हम बात करते हैं कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल के साथ अपक्रिया किसके कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल के साथ जब ये अपक्रिया करता है तो क्या देता है कह रहे है यह है, फरफ्यूरल व्युत्पन्न और एच सी डब्लू एच और लिविलिनिक एसिड बनाता है क्या बनाएगा फरफ्यूरल डेरिवेटिव बनाएगा और आपका एच सी डब्लू एच यानी कि फॉर्मिक एसिड और आपका लिविलिनिक एसिड का निर्माण करेगा यानी कि ये तीन जो है आपके यौगिक यहाँ पर बनाएगा ठीक है फरफ्यूरल एसिड का परफ्यूल का व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव ऑफ परफ्यूरल तो ये जो संरचना है ये आपका क्या है परफ्यूरल है क्या है आपका परफ्यूरल का डेरिवेटिव है क्या है परफ्यूरल का डेरिवेटिव है ठीक है परफ्यूरल की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो आपका परफ्यूरल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ये ठीक है कुछ आपका फर्फ्यूरल का स्ट्रक्चर जो है आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है तो ये हो गया आपका परफ्यूरल लेकिन ये क्या है फरफ्यूरल का डेरिवेटिव है क्या है डेरिवेटिव ऑफ फरफ्यूरल ठीक प्लस दूसरा क्या बन गया आपका फार्मिक एसिड एच सी डब्लू एच प्लस आपका क्या बन गया ल्यूबिलिक एसिड तो यहाँ पर जब क्या करते हैं जब इसकी हम रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल के साथ में करते हैं ठीक है थीके? तो क्या बनता है आपका एक सर्फ्यूरल बनता है ठीक है जिसका स्ट्रक्चर आपका ये है इस तरह से ऑक्सीजन हो लगा होगा सी एच ओ और सी एच टू OH ओ एच ग्रुप लगा होगा एक क्या बनता है आपका फॉर्मिक एसिड एच सी डब्लो एच और एक क्या बनता है आपका लिविलिनिक एसिड ठीक जिस है जिसमें कितने कार्बन है सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच टू सी ओ एच ठीक है सी डबलओ आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो या ऑक्सीजन निकाल सकते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका अपचयन या रिडक्शन तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन आपके जुड़ रहे हैं क्या हो रहा है हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इसमें ठीक है तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं ट्वेंटी टू है, है. यहाँ पर कितने हो गए आपके ट्वेंटी फोर तो हम कह सकते हैं क्या हो गया ये आपका लैक्टोसिटल हो गया क्या हो गया लेक्टोसिटल बन गया ठीक है कब जब हमने लैक्टोज का लैक्टोज का रिडक्शन कर दिया ठीक है रिडक्शन में क्या होता है आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है या आपका हाइड्रोजन जुड़ जाता है ठीक है तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका लेक्टोसीटल जो है बन जाएगा ठीक है किससे लैक्टोज से अब हम बात करेंगे इसकी संरचना की किसकी लैक्टोज की संरचना ये है ठीक लैक्टोज की संरचना ठीक है कंस्टिट्यूशन ऑफ लैक्टोज के बारे में हम पढ़ेंगे इसकी संरचना में क्या क्या होता है कह रहा मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू और ओ इलेवन सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू हो जाएगा आपका o कितना हो जाएगा इलेवन हो जाएगा और कह रहा दूसरा कह रहा प्रेजेंस ऑफ वन सी सी ग्रुप इसमें कम से कम एक आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप जो है प्रेजेंट रहेगा ठीक है थर्ड अब इसमें देखो ऑक्सल ओ सी डबल वन ओ ग्रुप के बारे में कह रहा है यह ओसा जोन बनाता है कौन यही जो आपका ग्रुप है सी डबल वन ओ यहाँ का ऑक्सीजन हट जाता है ठीक है किसके साथ में जो आपका फिनाइल हाइड्रोजीन होता है पी एच एन एच एन एच टू और एन एच और आपका पी एच ये फिनाइल हाइड्रोजीन होता है इसका ऑक्सीजन और यहाँ के दो हाइड्रोजन जो है बाहर चले जाते हैं ठीक है तो यही जो आपका सी डबल वन ओ ग्रुप होता है ये क्या करता है फिनाइल ओसा जोन बनाने में मदद करता है ठीक है तो कह रहा है यह ओसा जोन बनाता है कौन सी डबल वन ओ ग्रुप और क्या करता है यह रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को दिखाता है यही क्या करता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को दिखाता है ठीक है जब ये होता है तो इसी की उपस्थिति में रिडक्शन हो जाता है या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को ये शो करता है कह रहा है इसमें कम से कम एक सी डबल ओ ग्रुप अवश्य उपस्थित होता है ठीक है याद रहेगा ना एक कम से कम इसमें एक सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है आपका अवश्य प्रेजेंट रहेगा ठीक है <coughs> और इसी के कारण ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को शो करता है थर्ड कह रहा है ये अम्ल द्वारा जल अपघटन करने पर ग्लूकोज व गैलेक्टोज की समान मात्राएं देता है कौन लेक्टोज जब इसका आप जल अपघटन कर दोगे क्या कर दोगे जल अपघटन किसके द्वारा किसी अम्ल के द्वारा तो ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों की मात्राएं बराबर बराबर देगा ठीक है यह क्रिया एंजाइम के द्वारा भी होती है, है? है, है? है।, हो है।, है। यानी कि बीटा बॉन्ड जो आपके होते हैं उनको क्या करता है तोड़ता है या ब्रेक करता है ठीक है क्या करता है उनको ब्रेक कर देता है बीटा बॉन्ड को ठीक है तभी आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है ये है आपका लैक्टोज ठीक है क्या है आपका लैक्टोज ये आपका एमेलिन एंजाइम है जिसकी उपस्थिति में क्या हो रहा है एमल्सिन एंजाइम की उपस्थिति में हमने क्या करा है जल अपघटन मतलब जल के साथ में इसकी रिएक्शन करा देनी है तो इसके बीच में जो आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन ठीक है कार्बन नंबर सिक्स और कार्बन नंबर वन के बीच में जो बॉन्ड बना होता है ठीक है बीटा बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक वही क्या होता है टूट जाता है ठीक है क्या हो जाएगा टूट जाएगा और क्या बन जाएगा आपका ग्लूकोज बन जाएगा दूसरा क्या बन जाएगा आपका गैलेक्टोज बन जाएगा ठीक है ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन जाएगा ठीक है किससे लैक्टोज से कब जब हमने इसका जल अपघटन कर दिया किसी अम्ल की उपस्थिति में और आपका एंजाइम क्या होगा एमसीन होगा क्या होगा एमसीन नाम का आपका एंजाइम होगा अतः बी अतः लेक्टोज बीटा ग्लाइकोसाइड है क्या है आपका लैक्टोज बीटा ग्लाइकोसाइड इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है बनता है जो डी ग्लूकोज व डी लेक्टोज से मिलकर बनता है यानी कि रोटेटरी आपका क्या होगा ग्लूकोज होगा कैसा रोटेटरी और रोटेटरी ही आपका क्या होगा लेक्टोज होगा इन दोनों से मिलकर जो है बनता है ठीक है फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि लेक्टोज के मेथिलीकरण से प्राप्त मेथिल हेप्टा मेथिल मेथिलीकरण से प्राप्त क्या है आपका मेथिल हेप्टा और मेथिल मेथिलेक्टोसेट ठीक है मेथिल हेप्टा मेथिल मेथिलेक्टोलेक्टोसाइड जल अपघटन पर क्या देता है टू थ्री सिक्स ट्राई ऑक्सी मेथिल देता है क्या देता है टू थ्री सिक्स ट्राई ऑक्सी मेथिल देता है और डी ग्लूकोज तथा टू थ्री फोर सिक्स ट्राई मेथिल ऑक्सी ठीक है डी गैलेक्टोज बनाता है क्या बनाएगा ग्लूकोज ठीक है क्या देगा मैथिल डी ग्लूकोज और साथ ही क्या देगा आपका टू थ्री फोर सिक्स ट्राई मैथिल ट्राई मेथिल ऑक्सी डी गैलेक्टोज तो कितना आ गया ग्लूकोज क्या होगा आपका टू थ्री सिक्स ट्राई ऑक्सी मैथिल डी ग्लूकोज और टू थ्री फोर सिक्स ट्राई मैथिल ऑक्सी डी गैलेक्टोज बनाता है ठीक है ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है कह रहा है इससे स्पष्ट है कि गैलेक्टोज में अपचयी अर्थ अर्ध अर्धभाग ग्लूकोज अवशेष है क्या है जो आपका अर्ध अर्धभाग है ठीक है वो कैसा है आपका ग्लूकोज अवशेष है क्या है ग्लूकोज की कुछ मात्रा जो है बच्ची हुई है कह रहा है लैक्टोज ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत होकर लैक्टोनिक अम्ल बनाता है क्या बनाता है लैक्टोबॉनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है कौन आपका लैक्टोज किसके साथ में ब्रोमीन जल के साथ में ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होकर क्या बना लेता है लैक्टोबॉनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है अब कह रहा है कि इसके क्रमशा मैथिलीकरण तथा जल अपघटन यानी कि क्या होगा मैथिलीकरण और जल अपघटन मेथेन के साथ अभिक्रिया और जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा कहरा टू थ्री फाइव सिक्स ग्लूकोनिक ग्लुकोनिक अम्ल तथा दूसरा क्या बनेगा आपका कहरा टू थ्री फोर सिक्स टेट्रा मेथिल डी गैलेक्टोज बनता है क्या बनता है टू थ्री फाइव सिक्स टेट्रा ऑक्सीमेथिल ग्लूकोनिक एसिड और क्या मिलेगा टू थ्री फोर सिक्स क्या है फाइव इसमें क्या है फोर। सिक्स टेट्रा मेथिल बनता है ठीक तो है तो मैथिलीकरण और अपघटन ठीक है पहले मैथिलीकरण फिर अपघटन फिर मैथिलीकरण फिर अपघटन इससे प्रकट होता है कि ग्लूकोज का कार्बन फोर गैलेक्टोज के अवशेष कार्बन वन से जुड़ा रहता है ग्लूकोज का जो कार्बन आपका फोर है ठीक है वो क्या होगा गैलेक्टोज के कार्बन बन से जुड़ा रहेगा और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसी को कहते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अब देखो कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव और आपका सिक्स है ठीक है अब दो और आपका फाइव और आपका सिक्स क्या है आपका टू थ्री थ्री पे भी है आपका टू पे है थ्री पे है आपका फाइव पे है और क्या है सिक्स पे तो टू थ्री फाइव सिक्स क्या है टू थ्री फाइव सिक्स टेट्रा मेथाइल ग्लूकोनिक एसिड क्या है टू थ्री फाइव सिक्स टेट्रा मेथाइल ग्लूकोनिक एसिड है ये और दूसरा आपका क्या बनेगा ये कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो कहाँ है दो पर आपका एम लगा है तीन पे एम लगा है चार पे एम लगा है और आपका छः पे एम ग्रुप लगा है तो क्या हो जाएगा आपका टू थ्री फोर सिक्स क्या हो जाएगा टू थ्री फोर सिक्स टेट्रामिथल गैलेक्टोज क्या हो जाएगा टू थ्री फोर सिक्स टेट्रा मिथायल गैलेक्टोज ठीक है गैलेक्टोज आपका यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा सिक्स कह रहा उपरयुक्त तो तथ्यों के आधार पर इसकी संरचना निम्न प्रकार से दी गई है ठीक है या इसकी संरचना निम्न है ठीक है किसकी गैलेक्टोज की क्या है अच्छा इसकी संरचना जो है निम्न है तो यहां पर अगर हम बात करें ग्लूकोज यूनिट ये क्या है आपकी एक ग्लूकोज यूनिट है दूसरी क्या है? होती है आपकी गैलेक्टोज यूनिट होती है क्या होती है एक ग्लूकोज यूनिट और दूसरा क्या होता है गैलेक्टोज यूनिट तो इसमें क्या होता है जो गैलेक्टोज यूनिट होता है उसका कार्बन वन और ग्लूकोज यूनिट का कार्बन ये दोनों क्या होते हैं ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं ठीक है थीका? तो ये आपका क्या है मान लो आपका ग्लूकोज है वन कार्बन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये क्या है? आपका गैलेक्टोज है कार्बन एंड अब गैलेक्टोज का कार्बन वन ठीक है गैलेक्टोज का कार्बन वन और ग्लूकोज का कार्बन नंबर फोर ये दोनों क्या है ऑक्सीजन से आपस में जुड़े रहते हैं ठीक है थीका? ये जो बॉन्ड बनता है यही आपका क्या कहलाता है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है ठीक है तो ये आपस में क्या है एक दूसरे से कनेक्ट है ठीक है और हम देख लेते हैं इनको किस तरह से जो है कनेक्ट किया जा सकता है अब आपका क्या है भाई यही आपका दोनों के मिलके जब जुड़ जाते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है भाई आपका लैक्टोज बन जाता है ये दोनों यूनिट जब आपकी जुड़ जाती हैं अभी जुड़ी हुई हैं तो ये क्या आप कहलाएगी आपकी लैक्टोज कहलाएंगे ठीक है क्या कहलाएगी लैक्टोज संरचना कहलाएगी अब देखो हमने देखा था कि आपका जो गैलेक्टोज था उसका कार्बन नंबर वन था किसका गैलेक्टोज का आपका कार्बन नंबर वन है ठीक है और लैक्टोज का आपका कार्बन नंबर कौन सा है फोर्थ है ठीक है लैक्टोज का कार्बन फोर्थ है तो यहां से देखो वन टू थ्री और फोर और फाइव और सिक्स ये क्या हो गया आपका ग्लूकोज ग्लूकोज का कार्बन नंबर कौन सा था फोर था ठीक है और गैलेक्टोज का कार्बन नंबर कौन सा था वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो गैलेक्टोज का कार्बन कौन सा गैलेक्टोज का कार्बन आपका कौन सा था वन वाला था देखो गैलेक्टोज का कार्बन कौन सा है वन और ग्लूकोज का कार्बन कौन सा है फोर ठीक है तो गैलेक्टोज का कार्बन वन और ग्लूकोज का कार्बन आपका कौन सा हो जाएगा फोर हो जाएगा ठीक है इस तरह से अब ये दोनों क्या है भी? पहला कार्बन इसका ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन तो ये दो दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक का कार्बन वन होगा ठीक है किसका आपका गैलेक्टोज का ग्लूकोज का कार्बन नंबर फोर होगा जो आपस में ऑक्सीजन द्वारा जुड़े रहते हैं ठीक है तो इस तरह से जो आपकी संरचना ये पूरा जो संरचना बना है पूरा एक जो मॉलिक्यूल बना है ये आपका किसका हो जाएगा ये आपका कहलाएगा ग्लेक्टोज क्या कहलाएगा लैक्टोज कहलाएगा ठीक है थीके? तो इस तरह से जो है लैक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है तो संरचना और लैक्टोज के गुण को हमने एक एक करके जाना था उम्मीद करते हैं लैक्टोज का बनना आपके समझ में आया होगा ठीक है लैक्टोज क्या होता है आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों यूनिट का क्या होता है मिश्रण होता है ठीक है और ये दोनों यूनिट किस तरह से जुड़ते हैं आपका जो गैलेक्टोज है उसका कार्बन नंबर वन होगा और ग्लूकोज का कार्बन नंबर फोर होगा ठीक है ये दोनों ऑक्सीजन से बंधे रहेंगे ठीक है दोनों ऑक्सीजन से बंधे रहते हैं तो ये जो फॉर्मेशन होता है वो आपका क्या कहलाता है लैक्टोज कहलाता है क्या लैक्टोज कहलाता है ठीक है तो उम्मीद करते हैं आपको लैक्टोज समझ में आया होगा मिलते हैं अगले है वीडियो में बने रहिए हमारे साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो